मंजू दरवाजा खोलना। अरे आदि जी आ गया। अरे क्या हुआ जी? अरे कुछ नहीं, बस मामूली सी खांसी लग रही है, ठीक हो जाएगी। अच्छा कोई नहीं, मैं आपके लिए काढ़ा बना देती हूँ। चलो ठीक है, बना दो। अरे साहब खून खून खांसी कब से भाई तेरे को? हो गए 10 बार रही। ये टीबी भी हो सकता है। मेरे चाचा जी को खांसी थी, 2 हफ्ते हो गए थे उनको, खून भी निकला था, जांच में जो टीबी निकला। देखो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साहब मेरी दिहाड़ी, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ चलूंगा। भाई काम देख लेना इधर। सीधा मेरे पे छोड़ दो। ये आपका नाम? जी मेरा नाम रामू है। क्या दिक्कत हो रही है आपको? मुझे खांसी है गर्मी से। खांसी है? कितने दिन हो गए आपको खांसी को? जी कोई 2 हफ्ते हो गए। खांसी के साथ बलगम है? हाँ जी बलगम भी आ रहा है। और बलगम में खून वगैरह तो नहीं लगा? खून कल आया था, उससे पहले नहीं। और साथ में कोई बीमारी या कमजोरी लग रही हो शरीर में? थोड़ा बुखार तो लगता है और थोड़ी बहुत कमजोरी भी है उस तरह से। अच्छा देखो मैं आपके लिए एक टेस्ट लिख रहा हूँ, आपने बाहर 601 में जाके ये टेस्ट करवाना है और ये रिपोर्ट्स मेरे को दिखानी है। जी डॉक्टर साहब। ये आपने सारी जांच करवा ली? जी हाँ, जो आपने लिखा था मैंने वो सब जांच करवा ली है। ये देखिए इसमें ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब ऐसा क्या हो गया? ये आपको टीबी है। डॉक्टर साहब मुझे टीबी कैसे हो सकता है? नहीं नहीं इतना घबराने की इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको 6 महीने की दवाइयों पे डाल रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं दिहाड़ीदार आदमी, मैं 6 महीने की दवाई का खर्चा कहाँ से लाऊंगा? इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको सरकार द्वारा डोर्स प्रोग्राम के तहत पूरा और मुफ्त इलाज दिया जाएगा। आपके घर में और कौन कौन है? मेरे घर में मेरी पत्नी है और वो इस वक्त पेट से है। और आपको अपनी पत्नी को अस्पताल जरूर भेजना है, उनकी जांच बहुत जरूरी है, उनके लिए भी और उनके बच्चे के लिए भी। जी डॉक्टर साहब। अरे आपको क्या हुआ? आज मैं अस्पताल गया था। अच्छा क्यों? मेरी खांसी ज्यादा बढ़ गई थी तो मेरे काम वालों ने मुझे अस्पताल भेज दिया और वहाँ डॉक्टर की जांच से पता चला कि मुझे टीबी है। भाई प्रिया टीबी? इसका तो हमारे गांव में नाम भी नहीं लेते। ऐसा क्यों? पता है ये नाम लेने से भी फैल जाता है। पर आपको टीबी कैसे हो सकता है? समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है, पर कल डॉक्टर साहब ने तुम्हें भी जांच के लिए बुलाया है। मुझे क्यों जाने की जरूरत है? डॉक्टर साहब ने कहा है कि टीबी लोगों के छूने से एक दूसरे को फैल सकता है, इसलिए तुम्हें हमारे बच्चे की सेहत के लिए और अपने लिए उसकी जांच करवानी चाहिए। कल तुम डॉक्टर के पास जाके आना। अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी फिर। और मंजू कैसी है तू? क्या बताऊं सरला, आजकल तो बहुत परेशान रहती हूँ। क्या हुआ, क्या दिक्कत है? पता है इनको टीबी हो गया है और मुझे भी जांच के लिए बुलाया है। तो तू चली जा वरना अस्पताल बंद हो जाएगा। अरे कैसे जाऊं, अब देखो वो भी घर आने वाली होंगी, घर का कितना काम बाकी है वो सब कौन करेगा। मैं तो तुझे एक सलाह ही दे रही हूँ, बाकी तेरी मर्जी, अगर वहाँ जाना हो तो। पर अगर मुझे भी टीबी हो गया तो? हाय दैया, नहीं 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 नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। भारत में टीबी गर्भवती महिलाओं की मौत का 3रा सबसे प्रमुख कारण है।
गर्भावस्था में टीबी के लक्षण जैसे वजन का घटना आदि छिपे रह जाते हैं, जिसके कारण कई मामले सामने नहीं आ पाते। आइए देखते हैं कहानी का दूसरा पहलू। और मंजू कैसी है तू? अरे क्या बताऊं सरला, आजकल तो बहुत परेशान रहती हूँ। क्या दिक्कत होगी? पता है उनको टीबी हो गया है और डॉक्टर ने मुझे भी जांच के लिए बुलाया है। कोई नहीं, चली जा तुम टाइम से, वरना अस्पताल बंद हो जाएगा। कैसे जाना, अभी वो आने वाले होंगे घर पे और घर का कितना काम है। अरे काम तो चले रहते हैं, पहले तू अपने और अपने बच्चे का ध्यान रख। चल मैं तुझे अस्पताल ले जाती हूँ, वैसे भी बरखा बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, डॉक्टर भी नहीं रहे। जी देखिए, आपको भी टीबी है क्या? नहीं नहीं घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे पे कोई असर तो नहीं होगा? नहीं नहीं, इसका पूरा इलाज उपलब्ध है और मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ ये दवाइयाँ लेनी है और आप पूरे ठीक हो जाएंगे। बात है, लड़की हुई है तुम्हें। और मेरी पत्नी? वो भी ठीक है, कुछ देर में उन्हें भी होश आ जाएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसकी अगर समय पर जांच कराई जाए तो इसका पूरा इलाज है। दो हफ्ते से ज्यादा की खांसी, छाती में दर्द और खांसी में खून का आना, ये सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसा होने पर तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में जाएं और टीबी की जांच कराएं। डॉट्स के तहत सरकार इसका पूरा और मुफ्त इलाज प्रदान करती है और साथ ही में आपके ठीक हो जाने तक हर महीने आर्थिक सहायता भी देती है। टीबी का इलाज बीच में छोड़ना आपके लिए और दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए अपनी दवा निर्धारित समय पर लें और अपनी दवा की अवधि जरूर पूरी करें। टीबी आपके संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों को भी हो सकता है। अगर परिवार में किसी को भी टीबी हो तो पूरे परिवार की जांच करवाएं और उनका समय पर इलाज करवाएं। पूरे विश्व में टीबी के एक चौथाई मामले भारत में पाए जाते हैं। टीबी भारत में भी सबसे ज्यादा युवा वर्ग को प्रभावित करता है और भारत युवाओं का देश है जिसे टीबी ने जकड़ रखा है। आओ सब हाथ बढ़ाएं, टीबी को जड़ से मिटाएं। जय हिंद, जय भारत।